हेलो एवरीवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपीट एंड टेक में स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर आप में से केवल 18% बच्चे ही ऐसे हैं जिन्होंने चैनल से सबको सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है या 2K होने वाली है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके 2K करने में हमारी सहायता कीजिए और जितना हो सके उतना चैनल को शेयर कीजिए। कल शाम को ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आज यानी 31 मार्च को कुछ बच्चे जो हैं योगी आदित्यनाथ जी से मिलने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे CM योगी माननीय आदित्यनाथ जी हैं, ये जनता दरबार का आयोजन करते हैं। तो ये जनता दरबार आपका गोरखपुर में था, तो कुछ बच्चे यहाँ पे जो हैं नेपाल के अभ्यर्थी, वे आज सुबह जनता दरबार में गए हुए थे। वहाँ पे उनकी योगी आदित्यनाथ जी से बात भी हुई, तो यहाँ पे पॉजिटिव खबर आई हुई है। योगी जी ने यहाँ पे कहा कि हम यहाँ पे जांच करवाएंगे कि क्यों आपकी देरी हो रही है। जी हाँ, वो देरी की जांच करवाने की बात कर रहे हैं कि क्यों देरी हो रही है रिजल्ट में, ये उसकी खबर लेंगे कि क्यों देरी किया जा रहा है। और जल्द से जल्द, जी हाँ, जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश हो, इस बात को भी वो ख्याल रखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है ये जल्द से जल्द आ जाए। तो एक पॉजिटिव खबर आपको यहाँ पे सुनने को मिली। खैर, हमारा जो मेन मकसद था, जो ग्रुप का मेन मकसद है CM योगी जी के पास जाने का, वो ये है कि उनके तक लेखपाल के अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट पेंडिंग है इसकी खबर पहुंचाई जाती रहे। और यहाँ पे आगे से यही योजना है कि जितने भी जनता दरबार हो रहे हैं उसमें कुछ विद्यार्थी जाते रहें और लगातार उनको ज्ञापन देते रहें। उनको ज्ञापन भी दिया गया जिसका एक मॉडल आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से था। इसमें बताया गया था कि जो भर्ती है आपकी बहुत डेली चल रही है और इसका जो एग्ज़ाम है 1 जुलाई को हो रहा है हुआ था, और पेट भी लागू किया गया था कि भर्ती तेज हो, फिर भी कोई तेज़ी नहीं देखी गई है। तो ये सारी बातें उनको ज्ञापन में कही गई है। खैर, उम्मीद करते हैं कि आपका जो रिजल्ट हो वो जल्द से जल्द आए। ये कुछ भाई हैं जो कि आज आपके गए हुए थे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में, जहाँ पे आपका जनता दरबार का आयोजन होता है। तो इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इन सभी भाइयों का जिन्होंने यहाँ पे गए। खैर, अगर लेखपाल के बात करें तो जानते ही हैं कि लेखपाल का जो रिजल्ट है, अगर आयोग की माने तो जो पेंडिंग का कारण है वो आपका कोर्ट केस है। और आप जानते हैं कि जो कोर्ट केस के निर्णय है वो 11 अप्रैल को पड़े हुए हैं। वो लखनऊ की कोर्ट केस हो या फिर इलाहाबाद का, दोनों का जो है आपका डेट 11 अप्रैल ही पड़ा हुआ है। और कोर्ट केस से रिलेटेड जो कि आपकी डबल बेंच की कोर्ट केस है, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी और उसका ऑफिशियल ऑर्डर भी आया, जो कि सेम वही रहा जो कि मैंने पहले ही इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। खैर, जो भी हो, हमारे द्वारा जो भी न्यूज आती है बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके दोस्त जो इधर उधर भटक रहे हैं न्यूज़ के लिए या फिर गलत न्यूज़ उनको शेयर की जाती है, तो उन तक आप इस चैनल को शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी एक ऑथेंटिक न्यूज़ मिल सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और जैसे ही तो हमारी फैमिली 2K होगी, मेरी यहाँ पे कोशिश रहेगी एज सून एज पॉसिबल मैं लाइव आऊँ और आपके सारी क्वेश्चंस का जवाब दूँ। खैर, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।